देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा या फिर आपके आसपास जो चल रहा है वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया से हो रहा है जो आप चाहते नहीं है और बहुत बुरा हो रहा है, जो कि आपके शारीरिक और मानसिक परेशानियों को बढ़ाते जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम वे लोग आवश्यक रूप से सुने कि जिसके प्रति घबराहट, नींद का नहीं आना, बेचैनी बनी रहती है और सरदर्द और ओवर थिंकिंग अधिकतर करते रहते हैं। बार बार सोचना, सिरदर्द होना और कभी कभी बेचैनी सी आ जाना, और नींद तो आती नहीं है रात में, और जब भी आती है बेटाइम आती है, और सुबह बहुत लेट से उठते हैं, घबराहट बनी हुई रहती है। ऐसे लोग जरूर ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ शरीर के भीतर इतना गलत प्रोसेस चल रहा है जो कि काफ़ी लंबे समय से दिनचर्या में बदलाव ना करने के कारण बहुत ही गंभीर रूप से बीमारी के रूप से ये उभर के आ रहा है। तो कुछ का कहना है कि ये नेगेटिव ऊर्जा भी है, कुछ गलत ऊर्जाएं हैं जो आपके भीतर समाई गई है, ये भी बात सही है। कुछ नेगेटिव ऊर्जा होती है जो कि आपकी गलत दिनचर्या के कारण आपको अट्रैक्टिव करती है और आपके भीतर समा जाती है। देखिए, इसका एक सबसे प्राचीनतम घी के दीपक का भी एक उपाय है, अर्थात इसको एक विधि भी माना आप, उससे आप बहुत ही गजब की आपके भीतर एक और बहुत ही गजब से आपके अंदर से चमकेगा और आपके भीतर बहुत ही अच्छा आत्मविश्वास और नई प्रेरणा आपके भीतर से उभरेगी। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ इस चीज पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें। देखिए, जिस किसी के भीतर आपको लगता है इस प्रकार की थोड़ी समस्या है तो वह ध्यान रखिए। सर्वप्रथम आपके अगर गुरु बने हुए हैं तो गुरु अर्थात इष्ट देव, उन पर अधिक जोर दीजिए, अर्थात उन पर विश्वास कीजिए बहुत अत्यधिक, स्वयं से ज्यादा उन पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, उनकी वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा, जब जाके आपका जीवन सफल होने वाला है। देखिए, गुरु को अपने इष्ट को प्रणाम करके कुछ पल अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। एक दिन भी पल भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए, करना है तो हमेशा कीजिए। ये चीज बहुत अनमोल बताई गई है कलयुग में, इस चीज को धारण करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों में देखा गया है कि गुरु बनाने के पश्चात भी वे अपने गुरु मंत्र का तो ना तो जाप करते हैं और यानी व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहे एक तरह से, इसलिए इस चीज का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे। जब भी आपको रोज गुरु मंत्र का, इष्ट देव का मंत्र का जाप करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने दी है आज्ञा, उस आज्ञा को माने कि वे भगवान के मुख से बोले हुए शब्द हैं, वो साक्षात आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाले, उस चीज का बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखें। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव है, 101% बहुत इफेक्टिव होती है, आपके भीतर एक तरह की ऐसी ऊर्जा प्रकट करेगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा जिसका अनुमान लगाना आप बहुत कठिन होगा। आप में से जितने भी लोग हैं वे एक काम 100% जितने भी लोग देख रहे हैं वे एक काम जरूर किया करें, जब भी सुबह उठ जाते हैं आप, उठते हैं तब आप वो जब उगता हुआ सूरज प्रकट होता है, उगते वो सूरज को कम से कम 5 या 10 मिनट आपको देखना है। सर्वप्रथम तो उनको नमस्कार करें, प्रभु को नमस्कार करें। देखिए, यहाँ पर उगते हुए सूरज के बारे में नहीं, उसके द्वारा जो फैल रहा है प्रकाश की कीमत है, उस चीज पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता होगी कि उगता हुआ सूरज नहीं, आप समझते कि वे एक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से भी बड़ा एक गोला है जिसके अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट अन्यत्र जलते रहते हैं। देखिए, उस महिमा उसकी नहीं है, वैज्ञानिक तौर पर उसकी नहीं, महिमा उसकी है जो प्रकाशित होते हुए भी दिख नहीं पा रहा है, जो स्वयं प्रकाश तो कर रहा है मगर उस प्रकाश को विज्ञमान करने वाला, उस मूल तत्व की पहचान अभी तक नहीं कर पा रहे काफी लोग। अर्थात जब भी आप सुबह उठें, प्रभु को नमस्कार करें, प्रभु को नमस्कार करके उसके प्रकाश की ऊर्जा अपने भीतर लें और ऐसी कामना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप संपूर्ण संसार में
ये प्रकाश विद्यमान हो रहा है आपका। जिस गति से आप चारों तरफ ये प्रकाश किए जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारे भविष्य में भी प्रकृति करे, हमारे भीतर भक्ति का एक ऐसा दीपक जलाए रखे जो हमारे सभी प्रकार के नेगेटिव विचार, गलत विचार, काम वासना, एक अहंकार, ईर्ष्या का भाव, जितनी भी विकृतियां हैं उनको पूर्ण रूप से खत्म कर दीजिए। दूसरी चीज, आप जिस प्रकार से स्वयं निरंतरता से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार से निरंतरता से हमारे मुख से हमारे प्रभु का नाम कभी ना छूटे, इस प्रकार की आपको वंदनाएं करनी चाहिए। सुबह उठकर उगते हुए सूरज के सामने हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव, और उसको लगभग 5 से 10 मिनट आपको देखना है। इस विधि को आप हमेशा पकड़ के रखें। जब आप इसको पकड़ के रखेंगे तो आप देखना आपके धीरे धीरे भीतर से कई प्रकार की ऐसी कुछ छोटी छोटी चिंताएं बनी रहती वे बिल्कुल मिट जाएगी। नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाएंगे, यानी बुरा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, किसी चीज को लेकर पूरे दिन बैठे रहना, उसी के बारे में सोचना, ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। दो चीजें मैंने बताई है, गुरु के प्रति विश्वास, यानी जो आपका इष्ट है उसके प्रति विश्वास, दूसरा उगते हुए सूर्य को आप हमेशा देखें, हमेशा एक बार भी मिस ना करें, क्योंकि उगता हुआ सूर्य का मतलब क्या है, वे आपकी जिंदगी में बहुत ही प्रकृति लाने वाला है। उगता हुआ सूरज ही मनना आपको भी, यानी आने वाले कल, आप आने वाले कल है, इस भविष्य को बहुत ही उजागर करने वाले। तीसरा, और बहुत ध्यान से सुने, तीसरा ये लगभग सूर्य के समान इस प्रकार का ही उदाहरण है। देखिए, ये घी का दीपक आपको लेना है, घी का दीपक लें, उस लोह को अपने आंखों की दृष्टि के सामने रखें समकोण दिशा में, और उसको आपको लगातार कम से कम 15-20 मिनट देखें। 15-20 मिनट शुरुआती रूप से आप कम समय लें, 5 या 10 मिनट लें, मगर लगातार देखें, बिना पल के झपकाए हुए, बिना पल के झपकाए उस चीज को देखे, बिल्कुल कंसंटेंसी बनी हुई रहनी है। आंखों से आंसू झलकेंगे, फिर भी थोड़ा दर्द सहन कीजिए, मगर बैठे रहे अपने स्थान पर और आंखें बिल्कुल ना झपकाए। ऐसे करते हुए इस विधि को आप करें, इस ये त्राटक विधि है। इस त्राटक विधि के सामने आपका दृष्टिकोण इतना परिपक्व हो जाएगा, आप स्वयं के भीतर आपका जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, मुख्य लक्ष्य जीवन के अंदर, वो इतना ठोस बन जाएगा इस त्राटक विधि के माध्यम से। इतनी एकाग्रता आपके भीतर आ जाएगी कि आप किसी चीज के बारे में अगर सोचेंगे भी तो उसको पूरा करके दम लेंगे। इतनी गजब की ये प्रक्रिया है। त्राटक आपके भीतर बहुत ही गजब का आत्मविश्वास पैदा कर देगी। एकाग्रता बढ़ाने में बहुत ही गजब का ये रामबाण इलाज है। अगर आपका दृष्टिकोण किसी के प्रति आप बार बार भटकता है, आपकी बुद्धि बार बार आने को विचार करती है, आपकी बुद्धि में अगर कोई संकल्प धारण करते हैं आप, तो उसका हरण हो जाता है, अर्थात तो स्थूल जाता है। आप त्राटक करके देखें। त्राटक एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आपके भीतर में एक अहम मौन स्थापित कर देगी, शांति स्थापित कर देगी, बिल्कुल शांति और एकाग्र चीज, जिस चीज पर आप ध्यान लगाना चाहते उस चीज पर आपका ध्यान टिक जाए, 1% भी ध्यान में चूक नहीं होगी, 1% भी। इतनी शक्तिशाली ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करके देखें, इसके बहुत ही गजब के रिजल्ट हैं, बहुत ही सकारात्मक परिणाम। ध्यान रखें, घबराहट, नींद का ना आना, बेचैनी, सिरदर्द और ओवर थिंकिंग, ये अप्राकृतिक चीजें नहीं है, ये प्राकृतिक चीजें नहीं है, ये अप्राकृतिक चीजें हैं। अप्राकृतिक यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा ही प्रकट की गई है ये बीमारियां, किसी ने दी नहीं है आपको, ये स्वयं भीतर के अंदर से उजागर हुई है और इतनी संख्या में फैली हुई है वर्तमान समय में। आप इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं बहुत ही गजब तरीके से। ये अप्राकृतिक है, यानी स्वयं ने ही प्रकट किए, मनुष्य ने स्वयं भीतर एक ऐसा महल बना दिया है जो एकदम काले कलर का है, बिल्कुल काला, गोर अंधकार है उसमें,
जब भी आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको इसमें यही घबराहट, नींद नहीं आना, बेचैनी, ओवर थिंकिंग, लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव, हिंसा भावना ऐसी बनी हुई रहती है। इसलिए उस स्थान को पूर्ण रूप से खाली करना है और उस स्थान को स्वच्छ करना है। मानसिक स्थिति खराब होती है तो मनुष्य के भीतर एक सकारात्मक सोच भी बहुत ही जल्दी नेगेटिव थिंक में मिल जाती है, अर्थात नकारात्मक विचार बन जाता। सकारात्मक सोच भी नकारात्मक विचार में बदल जाता बहुत ही तेजी से, वे परिणाम नकारात्मक में ही निकालेगा। अगर जब तक आप इस चीज से जूझ रहे हैं तो मानिए मेरा कहना, आप अपने गुरु इष्ट के प्रति विश्वास रखें, धैर्य रखें। ये जंग बहुत ही लंबी है। जब तक मनुष्य शरीर जीवित है सुख और दुख का ही घेरा बना रहेगा, लेकिन स्थाई वे रहेगा जो परम है, बिल्कुल आदि अनादि काल से चलायमान, वही स्थाई। उस पर ही अगर विश्वास किया जाए तो सबसे ही उत्तम माना गया। इसलिए निरंतरता से ये कार्य करें, इष्ट पर विश्वास रखे, प्रभु पर विश्वास रखे और अपने भीतर आ रही कमियों पर वार करें, धीरे धीरे करें, अचानक से नहीं। आप देखते हैं 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा समय दे अपने आप को, धीरे धीरे अपने आप को समय देंगे तो स्वयं में भी परिपक्वता आने लगेगी। लोगों की आने वाली परिस्थिति के बारे में आप अच्छी भली बात से जान पाएंगे और उन परिस्थितियों में किस प्रकार से आपको क्या डिसीजन लेना है उसके बारे में आपका बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण हो जाएगा। इसलिए स्वयं को बहुत ही अच्छा समय दें, अच्छा दिनचर्या बनाए। आपके भीतर भौतिक विचार है उनको सकारात्मक रखें, ईश्वर पर इतना सकारात्मक विचार प्रकट करके रखें कि वे आपको हर पल हर तरह की स्थिति में भी आप पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। इस प्रकार की आपकी सोच होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि ना तो आप कोई गलत कार्य करेंगे, ना तो आपके भीतर किसी प्रकार का गलत विचार आने पाएगा और आप एक बिल्कुल सहज और सरल जिंदगी जिएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 101% आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो मुक्ति वासुदेवाय।